आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल एमएसएच में। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डेप माइक्रोमीटर के डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेप माइक्रोमीटर जो है एक माइक्रोमीटर के टाइप में ही आता है हमारा। और जैसा हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर में पार्ट्स फीचर्स पाए जाते हैं, फंक्शन पाए जाते हैं, तो सेम है हमारा डेप माइक्रोमीटर भी इसी तरह एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, डेप माइक्रोमीटर का जो हमारा मेन जो फंक्शन है, किसी वर्कपीस में स्लॉट या होल मेज़र करने के लिए हमारा वर्कपीस का डेप्थ ऑफ होल या स्लॉट का हमारा हाइट मेज़र करने के लिए हमारा यूज़ किया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग डेप माइक्रोमीटर के पार्ट्स और फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो डेप माइक्रोमीटर जो हमारा जो है वो देखने में माइक्रोमीटर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे कुछ बदलाव होते हैं, बहुत सारे कुछ चेंजिंग होते हैं जो आउटसाइड माइक्रोमीटर से देखने में बहुत डिफरेंट होते हैं हमारे। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं हमारा डेप माइक्रोमीटर जो है, डेप माइक्रोमीटर में माइक्रोमीटर की तरह सी टाइप का फ्रेम नहीं होता है। ठीक है, इसमें एक हमारा बेस होता है और एक एक्सटेंशन नोड हमारे यहाँ पे अलग से लगाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें एनविल स्पिंडल हमारा नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसा कि एक डायग्राम में आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर का दिखा रहा हूँ, जैसा आप देख पा रहे हैं, देखिए जैसे कि आउटसाइड माइक्रोमीटर हमारा स्पिंडल पाया जाता है, एनविल पाया जाता है। ठीक है, और ठीक है, बाकी जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक हमारा पार्ट सेम हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर जैसे ही और डेप माइक्रोमीटर में पाया जा रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारे हमारे डिफरेंस होते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं। आइए हम लोग डेप माइक्रोमीटर में क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं उसको देखते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, डेप माइक्रोमीटर में हमारा जो ये जो पार्ट अब दिखाई दे रहा है, ये पार्ट को बोलते हैं हम लोग बेस। ठीक है, ये पार्ट हमारा जो है ये बेस में आता है, जो हमारा जो स्लॉट मेजरमेंट करने के लिए हमारा ये एक रेफरेंस सरफेस के हिसाब से हमारी ये काम करता है। ठीक है, मतलब एक बेस सरफेस के हिसाब से हमारा काम करता है। जैसा कि यहाँ पे पार्ट देख पा रहे हैं आप, हमारा स्पिंड ये जो पार्ट है, ये एक्सटेंशन रॉड है, ये इसको अलग से ऑक्सिलरी रॉड होता है, इसको अलग से हमारा लगाया जाता है। एक हिसाब से हमारे ये स्पिंडल के हिसाब से काम करता है, जैसा आउटसाइड माइक्रोमीटर स्पिंडल हमारा ऑलरेडी फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पिंडल हमारा स्पिंडल एक्सटेंशन नोड के हिसाब से, क्या नाम है, एक्सटेंशन नोड को हमारा यहाँ पे स्लॉट में हमारा फिट किया जाता है। अलग अलग पीस के पाए जाते हैं, अलग अलग साइज पाए जाते हैं, 0 से 25 मिलीमीटर, 25 से 50 मिलीमीटर, अलग अलग साइज के हमारे ये पाए जाते हैं, जैसा आपका मेजरमेंट एज पर रिक्वायर्ड आपका है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस पार्ट को हम लोग शोल्डर भी बोलते हैं। ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग शोल्डर ही बोलते हैं, SHOULDER, शोल्डर। शोल्डर हमारा है, शोल्डर के बाद लॉकिंग स्क्रू हमारा जो है, ठीक है, लॉकिंग स्क्रू हमारा रीडिंग को लॉक करने के लिए जो लॉक नट होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर, इसी तरह डेप माइक्रोमीटर में लॉकिंग स्क्रू हमारा है। मेन स्केल डिवीज़न हमारा थिम्बल और बैरल, स्लीप और बैरल डिवीज़न हमारा है, स्लीप बैरल पार्ट है, जिसमें हमारा मेन स्केल और सब स्केल डिवीज़न यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके। ठीक है, नीचे की तरह हमारा मेन स्केल डिवीज़न और ऊपर की तरह सब स्केल डिवीज़न। ठीक है, और थिम्बल स्केल हमारा ऑक्सिलरी जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी स्केल। ठीक है, थिम्बल स्केल या सर्कुलर स्केल जो जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर पाया जाता है सेम इसी तरह है। ठीक है, राचे स्टॉप है हमारा पार्ट्स। ठीक है, और डायमेंशन जो हम मेज़र करेंगे उस मेज़र करने के लिए हमारे एक्सटेंशन रॉड को यहाँ पे हम किसी वर्कपीस में स्लॉट में प्लेस करेंगे। ठीक है, जैसा कि इस आउटसाइड माइक्रोमीटर में आप देख पा रहे हैं, इसका जो हमारा रेंज है वो 0 से 25 मिलीमीटर का रेंज है, और इसका लीस्ट काउंट जो है सेम आउटसाइड माइक्रोमीटर जैसा हमारा 0.01 मिलीमीटर मैट्रिक सिस्टम का हमारा ये डेप माइक्रोमीटर है, इसका लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, अब डेप माइक्रोमीटर जो है मैं ओरिजिनली आपको दिखा देता हूँ, जो वो मेरे वर्कशॉप में अवेलेबल है, फिटर वर्कशॉप में। ठीक है, ये आप ओरिजिनल में हमारा ऐसा ही दिखता है। ठीक है, जब मैं इसको पूरा फिटिंग कर, जब इसको बॉक्स से निकालने के बाद मैं जब इसको फिटअप करता हूँ, ऐसे एक बॉक्स में पाया जाता है डेप माइक्रोमीटर का। इस बॉक्स में हमारा अलग अलग पार्ट पाए जाते हैं हमारे, जैसे हमारा ये
और सर माइक्रोमीटर ये पाए जाते हैं, उसके साथ एक सेंसर नोड ये अलग से पीस में पाए जाते हैं जिसको साथ इसका इंसर्ट करना पड़ता है। इस और सर एक सेंसर नोड का हमारा जो साइज़ है वो 0 से 25 मिलीमीटर साइज़ है, ठीक है। अब आइए हम लोग, माइक्रोमीटर का के बारे में, माइक्रोमीटर का जो के साथ जो और भी पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे पार्ट आप देख पा रहे हैं, माइक्रोमीटर के जब बॉक्स में हम पाया जाता है, बॉक्स में हमारे ये पार्ट पाए जाते हैं, माइक्रोमीटर पाया जाता है, उसके साथ ये हमारा की स्पाइनर जिसको हम लोग माइक्रोमीटर में कभी एरर आ जाता है तो उसको एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे एक हमारा होल होता है जिसमें से इसके स्पाइनर के साथ हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं 0 को। अब बाकी एक्सटेंशन नोड हमारे इंटरचेंजेबल एक्सटेंशन नोड अलग अलग साइज़ के पाए जाते हैं, 0 से 25 मिलीमीटर, 25 से 50 मिलीमीटर, 50 से 75 मिलीमीटर, अलग अलग साइज़ के हमारे ये पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए माइक्रोमीटर के द्वारा जो हम मेन जिसका एप्लीकेशन है, ठीक है, मेन जो एप्लीकेशन है वो किसी वर्कपीस का हाइट मेजरमेंट, डेप्थ ऑफ स्लॉट मेजरमेंट, जैसे यहाँ पे किसी डेप्थ मेजरमेंट कर रहा है, किसी आपका सर्कुलर होलो वर्कपीस का हमारा स्टेप मेजरमेंट, कोई स्टेप हमारा वर्कपीस है उसका हाइट मेजरमेंट कर रहा है हमारा, ठीक है, कोई वर्कपीस है उसका भी मेजरमेंट हमारा हाइट मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है, ऐसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, इसी तरह हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अब आइए माइक्रोमीटर में हम लोग ग्रेजुएशन देख लेते हैं कि माइक्रोमीटर में क्या क्या ग्रेजुएशन कैसे कैसे पाए जाते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माइक्रोमीटर में स्केल डिवीजन, देख पा रहे हैं, ऊपर की तरफ हमारा मेन स्केल डिवीजन होता है और नीचे की तरफ सब स्केल डिवीजन होता है, ठीक है। यहाँ पे एक डिफरेंस हमारा क्या रहता है कि माइक्रोमीटर में हमारा जो डिवीजन होता है वो 0 से 25 तक हमारा ऐसा जाता है डिवीजन, ठीक है, लेकिन डेप माइक्रोमीटर में जो है वो डिवीजन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, 25 से 0 की तरफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सेंसर नोड जो हमारे इसके साथ जो ऐड होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको ऑलरेडी, जब एक ऐसा ये दिखाई देता है हमारा, देखिए यहाँ पे जो मैंने एक सेंसर नोड लगाया है तो एक सेंसर नोड जो है यहाँ पे एक ऐसा स्लॉट होता है, वो स्लॉट भी मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे फिट होता है, देखिए जैसे ये खाली स्लॉट है, ये ब्लैंक स्लॉट है आपका, ये स्लॉट में जाकर के हमारे ये एक सेंसर नोड इस तरह जाकर के इंसर्ट हो जाता है और ये ऑटोमेटिक हमारा लॉक हो जाता है, ठीक है। तो जब लॉक होता है हमारा, जैसे हम लोग थिम्बल का मूवमेंट कराते हैं, ये थिम्बल जो हमारा सर्कुलर स्केल है इसको जब हम मूवमेंट कराते हैं तो ये भी मूवमेंट करता है हमारा, ठीक है, तो इसी तरह हमारा होता है ये, ठीक है। अब हम लोग इसका डिवीज़न हमारा देख लेते हैं, डिवीज़न जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अभी भी डिस्कस किया, फिलहाल अभी रिसेंट अभी डिस्कस किया कि हमारा इसका जो मेन स्केल का हमारा जो डिवीज़न जो है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है, सेम कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आपको रिवर्स डायरेक्शन में है तो कोई डिंसर नहीं है, आपको जितना रीडिंग आपको शो करेगा उसको अपने उतना ही आपको काउंटिंग करना है। जैसे मान ली 25 के साइड में आपका 24-23 शो कर रहा है तो 23 मिलीमीटर आपका 23, और बाकी आप सब इसके लिए शो कर रहा है तो 23.5 मिलीमीटर, और डेटम लाइन जो जैसा पॉट्स माइक्रोमीटर में डेटम लाइन होता है, ठीक है, उसके साथ जो सर्कुलर स्केल थिम्बल स्केल का जो डिवीज़न मैच करेगा वो टोटल रीडिंग आता है, ठीक है। माने हमारा जो आउटसाइड माइक्रोमीटर में रीडिंग का फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है इसमें भी हमारा सेम है, ठीक है। आशा करते हैं आपका टॉपिक समझ में आया, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपका हम नोटिफिकेशन में आपको मिलते रहे। धन्यवाद।